हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो वीडियो है वो 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 7th पार्ट 3rd के रूप में आपके साथ में है, और इस चैप्टर में हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम पॉरीफेरा से लेकर वर्टिब्रेट्स तक के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और एनसीईआरटी का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट के लिए वीडियो के फुल सेशन को एन्जॉय कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लांट्स की किंगडम तक की बात की थी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमेलिया किंगडम, जो कि रॉबर्ट वीजेकर के द्वारा बताया गया लास्ट किंगडम है। इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, मीन उनके जो बॉडी है उनके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। साथ में वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब उनमें ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, और वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मीन अपने फूड के लिए अदर किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। उनके बॉडी में कोई सेल वाल प्रेजेंट नहीं होती। मोस्ट एनिमल्स जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं, मोबाइल के लिए आप मोटाइल काम में ले सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे चल के जा सकते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाई बेस्ड ऑन द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ बॉडी डिज़ाइन। अब उनकी बॉडी किस तरीके से बनी हुई है, इस आधार पे एनिमेलिया किंगडम को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है पॉरीफेरा। तो देखिए पॉरीफेरा क्या होते हैं। द वर्ड पॉरीफेरा मीन ऑर्गेनिज्म विद होल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके शरीर के ऊपर छेद पाए जाते हैं, होल्स पाए जाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं पॉरीफेरा। दीज आर नॉन मोटाइल, चलने और फिरने में असक्षम होते हैं। अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट, किसी सॉलिड सपोर्ट से अटैच रहते हैं। देर आर होल्स और पोर्स ऑल ओवर द बॉडी, उनकी पूरे शरीर के ऊपर खोल या पोर पाए जाते हैं। दीज लीड टू कैनाल सिस्टम, इस तरीके से उनके अंदर कैनाल सिस्टम का निर्माण होता है, जो इनका एक महत्वपूर्ण लक्षण है। और ये कैनाल सिस्टम जो है वाटर को थ्रू आउट बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, जिसके कारण बॉडी को फूड और ऑक्सीजन प्राप्त होती रहती है। अब सबसे पहले हम कैनाल सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं, कैनाल सिस्टम कैसा होगा। तो कैनाल सिस्टम का जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा। एक तो ऐसी ओपनिंग है जिससे कि वाटर अंदर जाता है, और एक ऐसी ओपनिंग है जिससे वाटर बाहर आता है। तो वाटर बाहर आने के लिए जो ओपनिंग है वो कहलाती है ऑस्क्यूलम, OSCULUM, और अंदर जाने के लिए जो ओपनिंग है वो कहलाती है ऑस्ट्रिया। और बीच में जो आपको ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है उसको कहते हैं स्पॉन्जोसील। तो मीन बात ये है कि ये जो तीन आपको दिख रहे हैं, ऑस्ट्रिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्क्यूलम, ये तीनों ही मिलकर कैनाल सिस्टम का निर्माण करते हैं। और बाहर से अगर फूड और ऑक्सीजन को लेना है तो ऑस्ट्रिया के थ्रू लेते हैं। स्पॉन्जोसील के ऊपर इनके ऊपर जो भी जैसे ऑक्सीजन है उसका यूज़ किया जाता है, फूड का यूज़ किया जाता है। रिमेनिंग जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर की तरफ भेज दिया जाता है। ये एक कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन है, और पॉरीफेरा का स्पेशल फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट देखिए उसके बाद में, दीज एनिमल आर कवर्ड विद अ हार्ड आउटसाइड लेयर ऑफ स्केलेटन। इनकी बॉडी के बाहर की तरफ हार्ड लेयर पाई जाती है स्केलेटन की, मतलब इनके जो कंकाल तंत्र है इनका वो शरीर के बाहर पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन होता है। द बॉडी डिजाइन इन्वॉल्व मैनी मिनिमम डिफ्रेंसिएशन एंड डिविजन इन टू टिश्यू। इनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स पाई जाती हैं, इनका जो ग्रेड होता है वो सेलुलर ग्रेड होता है। दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्ज, सामान्यतः इनको स्पॉन्ज कहते हैं, और ये जनरली आपको मैरीन हैबिटाट यानी समुद्री जो भी लोकेशंस हैं वहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो पहला एग्जांपल है यूप्लेक्टेला, जो जापान के अंदर जितने मैरिजेज सेरेमनीज होती हैं उनके अंदर एज अ गिफ्ट दिया जाता है। साइकन है जिसको साइफा भी कह सकते हैं, और स्पॉन्जिला यानी फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ये तीन इसके एग्जाम्पल आपके सामने एनसीईआरटी में दिए गए हैं। नेक्स्ट सेकंड जो कैटेगरी है वो सिलेंट्रेटा, जिसको कि आप नाइडेरिया भी कह सकते हैं। दीज आर एनिमल लिविंग इन वाटर, ये वाटर में मिलेंगे। दे शो मोर बॉडी डिजाइन डिफ्रेंसिएशन। पहले वाला जो कैटेगरी था उसमें आपको सिर्फ सेल्स दिखी थी, यहाँ पर ये सेल्स ग्रुप बनाकर टिश्यू बना लेती हैं। देर इज कैविटी इन बॉडी, इनकी बॉडी के अंदर गैस्ट्रो वैस्क्यूलर कैविटी पाई जाती है। एंड द बॉडी इज मेड अप ऑफ द टू लेयर्स, इनकी बॉडी टू लेयर्स की बनी हुई होती है। ये डायग्राम में आपको ईजिली दिखेगी, ये देखिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसमें शो की गई है। बाहर की तरफ की जो लेयर है उसको कहते हैं एपिडर्मिस, और अंदर की जो लेयर है उसको कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। तो इस तरीके से इनमें दो लेयर्स होती हैं, एक लेयर तो होती है जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट रहती है, और एक जो होती है वो इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होती है। बाहर वाली को कहा जाता है एपिडर्मिस, और अंदर वाली को कहा जाता है गैस्ट्रोडर्मिस। सम ऑफ दीज स्पीशीज लाइव इन कॉलोनी, कुछ इसकी स्पीशीज जो है कॉलोनी में रहते हैं, जैसे कि कॉरल्स हैं, जबकि कुछ जो है सॉलिटरी रहते हैं, जैसे कि हाइड्रा। यहाँ सॉलिटरी का मतलब है अकेला रहना, तो हाइड्रा हमेशा अकेला रहता है। नेक्स्ट जेलीफिश और सी एनिमोन जो हैं इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। ये मैंने आपको हाइड्रा का डायग्राम दिखाया, यहाँ पे सी एनिमोन आप देख रहे हैं जिसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं।
हाइड्रा के अंदर भी टेंटिकल्स प्रेजेंट है, और टेंटिकल्स के दो फंक्शन होते हैं. नंबर वन है कैप्चर ऑफ द फूड, एंड सेकंड है कैप्चर ऑफ द प्रेडेटर. चाहे फूड को कैप्चर करना हो, प्रेडेटर को कैप्चर करना हो, ये अपना किसका हेल्प लेगा? टेंटिकल्स की. नेक्स्ट, ये टेंटिकल्स जो है हाइड्रा के मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं. यहाँ टेंटिकल्स के अंदर स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती हैं, जिनको डंक मारने वाली कोशिकाएं कहते हैं. इनमें पॉइजन भरा रहता है. जैसे ही कोई प्रेडेटर हाइड्रा के कॉन्टेक्ट में आता है, हाइड्रा अपने टेंटिकल्स को हवा में फ्लटर करती है, और स्टिंगिंग सेल्स की वजह से उनके अंदर पॉइजन इंजेक्ट कर दिया जाता है. मतलब कहीं ना कहीं ये स्टिंगिंग सेल्स हाइड्रा के लिए डिफेंस मैकेनिज्म की तरह बिहेव करती हैं. स्टिंगिंग सेल्स का जो साइंटिफिक नेम है वो है नेमेटोसिस्ट. नेमेटोसिस्ट तो नेमेटोसिस्ट पाए जाने के कारण ही जो हमारी ये थी हाइड्रा, उसका नाम था नेबेरिया डाला गया था. तो इस तरीके से जो ये है नेमेटोसिस्ट, डायग्राम आपके सामने पूरा है. नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेटी हेलमंथीज जो कैटेगरी है वो. द बॉडी ऑफ द एनिमल इन दिस ग्रुप इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्सली डिजाइन. इसकी बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा फार मोर कॉम्प्लेक्स हो जाती है. पहले कैटेगरी में सिर्फ सेल्स थी, दूसरे में टिश्यूज थे, अब यहाँ तक आते आते टिश्यूज बना लेते हैं ऑर्गन. नेक्स्ट उसके बाद की बात करें तो द बॉडी इज बायलेटरल सिमेट्रिकल. इसकी जो बॉडी है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है. मतलब अगर आप इसके बॉडी को एंटीरियर पोस्टीरियर कट करोगे तो जो इसका लेफ्ट पार्ट है वो इसके राइट पार्ट के इक्वल हो जाएगा. मीनिंग दैट लेफ्ट एंड राइट हाफ ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिज़ाइन. देर आर थ्री लेयर. इसकी बॉडी में तीन लेयर प्रेजेंट होंगी विच डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू, जो टिश्यूज बनाएगी, कैन बी मेड विच इज़ वाई सच एनिमल्स कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक. और ध्यान दीजिए, जिनके अंदर थ्री लेयर्स होती हैं उनको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, और जिनके अंदर टू लेयर्स होती हैं उनको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक. तो जो सीलेंट्रेट्स थे वो कहलाते हैं डिप्लोब्लास्टिक, बिकॉज दे हैव ओनली एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस. वेर एज द प्लेटीहेल मंथी इज नोन एज द ट्रिप्लोब्लास्टिक बिकॉज दे हैव थ्री लेयर्स, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, इनर मोस्ट गैस्ट्रोडर्मिस, एंड मिडिल वन इज द मीजोडर्मिस. दिस अलाउ आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग्स एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड. There is with the some degree of tissue formation, however there is no true internal body cavity. इनके अंदर true type की body cavity नहीं होती, मतलब इनके अंदर सीलोम नहीं पाई जाती है. बात यहाँ पर यह है कि सीलोम होती क्या है. तो जो हमारी body cavity है और जो हमारे हम ये कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल है, तो body wall और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो cavity पाई जाती है वो कहलाती है सीलोम. और ये सीलोम अगर मीजोडर्मिस से ढकी हुई है तो वो कहलाएगी ट्रू सीलोम. लेकिन प्लेटी हेलमेंथीज में ट्रू सीलोम नहीं होती, इसीलिए प्लेटी हेलमेंथीज कहलाते हैं अ सीलोमेट. दे आर ए सीलोमेट बिकॉज दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ सीलोम इन देयर बॉडी. इन विच वेल डेवलप ऑर्गन कैन बी अकोमोडेट द बॉडी इज फ्लैटर्न डॉर्सो वेंट्रली मीनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अब डॉर्सो वेंट्रली ये बॉडी क्या हो जाती हैं, फ्लैट हो जाती हैं, फीते जैसा इनका शेप आ जाता है, इसीलिए इसके ऑर्गेनिज्म कहलाता है फ्लैट वर्म्स. विच इज़ वाई दीज एनिमल कॉल्ड फ्लैट वर्म्स बिकॉज इनकी बॉडी डॉर्सल और वेंट्रल कंडीशंस में फ्लैट हो जाती हैं. दे आर आइदर फ्री लिविंग, या तो इसके ऑर्गेनिज्म बिल्कुल फ्री लिविंग रहेंगे, या फिर इनके ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर डिजीज फैलाएंगे, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है पैरासिटिक भी कहलाते हैं. और पैरासिटिक जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो हमेशा होस्ट की बॉडी में रहते हैं. सम एग्जाम्पल्स जो है फ्री लिविंग एनिमल्स के वो है प्लेनेरिया. प्लेनेरिया फ्री लिविंग होता है. जबकि हम बात करें पैरासिटिक एनिमल की तो वो है लीवर फ्लूक, और लीवर फ्लूक के कारण बॉडी के अंदर वेरियस टाइप की डिजीजेज स्प्रेड होती हैं. डायग्राम की बात करें तो ये प्लेन एरिया आपको शो किया गया है. नेक्स्ट जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन का, उसमें हम जो देखेंगे 10th क्लास में कि रीजनरेशन एक प्रोसेस होती है जो प्लेन एरिया के अंदर पाई जाती है. तो रीजनरेशन का हिट एग्जांपल होता है प्लेन एरिया. ये इसके अंदर सिंपल आइज प्रेजेंट है, फेरिंग्स प्रेजेंट है, और इसका माउथ और एनस एक ही होता है. नेक्स्ट पैरासिटिक फॉर्म लीवर फ्लूक है, जिसके अंदर आपको एसिटाबुलम दिख रहा है, जिसकी वजह से ये बॉडी से चिपक जाता है. और टैपवॉर्म भी पैरासिटिक फॉर्म होता है, जिसका सकर है, जिसकी वजह से ये होस्ट की बॉडी में चिपक जाता है. नेक है और इसके ये सेगमेंट्स दिखा रखे हैं. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्लेटी हेलमंथीज के बाद में निमेटोडा, और निमेटोडा को हम एस्केल मंथीज भी कहते हैं. द निमेटोड बॉडी इज आल्सो बायलेटरल सिमेट्रिकल. इनकी बॉडी भी बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है, मतलब अप डाउन अप टू डाउन कट करने से लेफ्ट पार्ट किसके इक्वल हो जाता है, राइट पार्ट के. ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं, मतलब थ्री लेयर्स पाई जाती हैं. हाउएवर द बॉडी इज सिलेंड्रिकल. इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, बट फिर भी फ्लैटनड होती है. नेक्स्ट उसके बाद में देयर आर टिश्यूज बट नो रियल ऑर्गन. इनके अंदर टिश्यूज होते हैं बट रियल ऑर्गन नहीं होते. ऑल्दो सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी ऑफ शूडोसीलोम, लेकिन इनके अंदर जो सीलोम पाई जाती है वो शूडोसीलोम होती है, मतलब इनकी जो कैविटी है वो मीजोडर्म से कवर नहीं होती.
दीज आर वेरी फेमिलियर पैरासाइटिक वर्म काजिंग डिजीज. इनके सारे ऑर्गेनिज्म पैरासाइट्स होते हैं जो डिजीज क्रिएट करते हैं, सच एज द वर्म काजिंग एलिफेंटियसिस, जैसे कि एक बीमारी का नाम है एलिफेंटियसिस जो फिलेरियल वर्म के कारण फैलती है. और ये जो वर्म है वो ऐसे भी होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं. उन वर्म्स का नाम होता है राउंड वर्म और पिन वर्म, जो हैं डायग्राम इसमें शो किए गए हैं. तो पहला जो डायग्राम आपको दिखाया गया है वो है एस्केरिस का, जिसमें कि बाहर से देखने पे पता लग रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म मेल है कौन सा ऑर्गेनिज्म फीमेल. यदि आपको बाहर से देखते ही पता लग जाए कि विच इज़ द मेल एंड विच इज़ द फीमेल, तो ये कंडीशन कहलाती है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. तो एस्केरिस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है. मेल जो होगा इसका पिछला हिस्सा थोड़ा सा मुड़ा हुआ होगा, जबकि फीमेल का हिस्सा पीछा जो हिस्सा मतलब पिछला जो हिस्सा होता है वो लंबा होगा. नेक्स्ट यूटेरी एरिया है जिसके कारण एलिफेंटेसिस डिजीज फैलती है. नेक्स्ट हम आते हैं एनिलिडा पे. एनिलिड एनिमल आर आल्सो बायलेटरल सिमेट्रिकल, ये भी बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं. ऊपर नीचे से कट करने से लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के इक्वल हो जाता है. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनके अंदर तीन लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. बट इन एडिशन दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी, बट इनके अंदर ट्रू सीलोम भी पाई जाती है. दिस अलाउड थ्री ऑर्गन टू पैकिंग इन द बॉडी स्ट्रक्चर. देयर इज दिस एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन. दिस डिफरेंशिएशन अकर इन सेगमेंटल फैशन. इसके जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है एंड जो सेगमेंट्स हैं उनके अंदर एक के बाद में जो ऑर्गन्स हैं वो पाए जाते हैं और ये सेगमेंट हेड से लेके उसके टेल यानी पूंछ तक पाए जाते हैं. दीज एनिमल आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट लाइक फ्रेश वाटर. इसके ऑर्गेनिज्म आपको नदी तालाब के पानी में मिलेंगे, मैरीन वाटर समुद्र में भी मिलेंगे और इसी के साथ साथ में आपको ज़मीन पर भी मिलेंगे. जैसे पहला एग्जाम्पल है इसका अर्थवर्म, जिसका साइंटिफिक नेम होता है फेरेटिमा पोस्थुमा. नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है वो है लीच, जिसका नाम होता है हिरुडिनेरिया. तो ये इसके दो एग्जाम्पल थे जो कि एनलिडा में आते हैं. डायग्रामेटिकली हम देखते हैं पहला इसका एग्जाम्पल है नेरीज. पहला जो इसका एग्जाम्पल है वो है नेरीज. नेरीज के अंदर ये पैराबोलिया जिसके कारण ये पानी में तैर पाता है और ये टेंटिकल्स और ये पेल्प जो इसके संवेदी अंग होते हैं सेंसरी सेंसेस को कैचेस करते हैं. अर्थवर्म आपको शो कर रखा है जिसकी बॉडी आपको बिल्कुल सेगमेंट दिखाई दे रही है फेरेटिमा पोस्थुमा. और नेक्स्ट जो आपको लीच दिखा रखी है जिसका नाम होता है हिरुडिनेरिया. नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रो का मतलब था जॉइंटेड, पोडा का मतलब था लैग, यानी इनकी बॉडी के अंदर जॉइंटेड लैग पाए जाते हैं. दिस इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, ये सबसे बड़ा ग्रुप है एनिमल का. दीज एनिमल आर बायलेटरल सिमेट्रिकल. एंटीरियर पोस्टीरियर कट करने पर लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के इक्वल होता है. इनकी बॉडी भी थ्री पार्ट्स में सेगमेंटेड यानी डिवाइडेड रहती है. देर इज़ एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनकी बॉडी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है. मतलब इनकी बॉडी में आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज नहीं पाई जाती, यानी इनका ब्लड बिना किसी डक्ट के खुले में बहता है और उसके टिश्यू उस ब्लड में इसी तरीके से बात करते रहते हैं. तो ये ओपन सिस्टम होता है जो आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है. द सीलोमिक कैविटी ब्लड फील्ड, इसकी सीलोम के अंदर ब्लड भरा हुआ रहता है. दे हैव जॉइंटेड लेग, इनके जॉइंटेड लेग होते हैं, इसीलिए इसका नाम आर्थ्रोपोडा डाला गया. सम फैमिलियर एग्जांपल्स की बात करें तो पहला एग्जांपल है प्रॉन, दूसरा है बटरफ्लाई, तीसरा हाउस फ्लाई, नेक्स्ट स्पाइडर, नेक्स्ट स्कॉर्पियन एंड क्रैब. ये सारे जो हैं आर्थ्रोपोड के अंदर के इंक्लूड होते हैं. ये आपको दिखा रखा है यहाँ पे प्रॉन, जिसको पैलेमोन भी कहते हैं, स्कॉर्पियन बिच्छू जिसको पैलमियस कहते हैं, स्पाइडर एरेनियस है, बटरफ्लाई है, मक्का हाउस फ्लाई है एंड कॉकरोच दिखा रखा है आपको, पेरिप्लेनेट अमेरिकाना एंड सेंटीपीड क्लोरेंड्रा कोलोपेंड्रा दिखा रखा है. तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो आर्थ्रोपोड्स के हैं. नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं मोलस्का. तो जो मोलस्का के एनिमल ग्रुप एनिमल्स होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर कट करने पर लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के इक्वल हो जाता है. सीलोम केविटी बहुत छोटी पाई जाती है, लिटिल सेगमेंटेशन होता है, इसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा सेगमेंट्स नहीं पाए जाते. दे हैव एन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके अंदर भी ओपन सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है. मतलब ब्लड आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज नहीं पाई जाती एंड किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ताकि उनकी बॉडी से एक्सक्रेशन हो सके. देर इज़ अ फुट दैट मूव अराउंड दैम, इनके अंदर एक फुट जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके कारण ये एक जगह से दूसरी जगह पर चल सकते हैं. एग्जाम्पल्स जो हैं इनके वो हैं मुजल्स. तो जो पहला एग्जाम्पल है वो है मुजल और दूसरा है इसका स्नेल. ये डायग्राम दिखा रखते हैं आपको पाइटन पायला, जिसको एप्पल स्नेल भी कहते हैं. एप्पल स्नेल, पायला का दूसरा नाम है एप्पल स्नेल. ऑक्टोपस है जिसको डेविल फिश कहा जाता है. ऑक्टोपस का नाम हो जाएगा आपके डेविल फिश, दैत्याकार फिश.
तो ये एग्जांपल है आपके मोलस्का के। नेक्स्ट उसके बाद में हम देखते हैं इकाइनोडर्मेटा। तो जो इकाइनोडर्मेटा होता है ग्रीक के अंदर, उसका इकाइनस का मतलब होता है हेजहॉग। हेजहॉग का मतलब एक ऐसा चूहा जिसके ऊपर कांटे निकले हुए हैं, कांटेदार चूहा कहलाता है हेजहॉग। तो इसकी जो आकृति होती है उस हेजहॉग के जैसे होती है, इसीलिए इसको नाम कहा इकाइनोडर्मेटा, यानी इसकी स्किन के ऊपर कांटे पाए जाते हैं। दस आर स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म द एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मेरीन, ये समुद्र में पाए जाते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक बिकॉज दे हैव एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मेसोडर्म एंड हैव अ सिलोमिक कैविटी मीन दे आर सिलोमेट्स। दे आल्सो हैव अ पेक्यूलर वाटर डाइव सिस्टम दैट दे यूज फॉर मूविंग अराउंड हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर। तो इनकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम भी पाया जाता है जिसकी वजह से मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट इनकी बॉडी के ऊपर बहुत ही हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन पाया जाता है, दे यूज एज स्केलेटन। एग्जाम्पल्स जो हैं इसके हैं, पहला है सी कुकुम्बु जिसको होलोथूरिया कहा जाता है, नेक्स्ट है फेदर स्टार जिसको एंटेडॉन कहते हैं, और नेक्स्ट है सी अर्चिन जिसको इकाइनस भी कहते हैं। ये आपके सी जो है स्टारफिश है एस्टेरियास, वो भी इसी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट उसके बाद में हम देखते हैं प्रोटोकॉर्डेटा की प्रोटोकॉर्डेटा क्या होते हैं। दीज एनिमल्स आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, वही बात है कि ये एनिमल भी कैसे होते हैं, अप टू डाउन कट करने से लेफ्ट किसके इक्वल हो जाता है, राइट के। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनके बॉडी में तीन लेयर होती हैं, एपिडर्मिस गैस्ट्रोडर्मिस एंड मेसोडर्मिस, एंड हैव अ सीलोम, इनकी बॉडी में टू सीलोम होती है, मतलब ये सीलोमेट है। इन एडिशन दे शो अ न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिजाइन नेमली अ नोटोकॉर्ड, इनके अलावा इनकी बॉडी के अंदर एक नया फीचर जुड़ता है जिसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। इनके शरीर में नोटोकॉर्ड पाई जाती है एट लीस्ट सम स्टेजेस ऑफ ड्यूरिंग लाइफ, और वो हो सकता है कि इनकी जिंदगी की कुछ एक अवस्थाओं में पाई जाती हो। द नोटोकॉर्ड इज रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर, रॉड यानी एक बिल्कुल सरिये जैसे इसकी आकृति होती है, एंड रन अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल, एनिमल के पीछे की तरफ ये पाई जाती है। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है, नर्वस टिश्यू से लेके गट यानी एलिमेंट्री कैनाल तक इसका ओरिजिन होता है। इट प्रोवाइड प्लेस फॉर मसल्स, ये मसल्स को जगह देती है ताकि वो अटैच हो जाएँ और मूवमेंट में हेल्प करें। प्रोटोकॉर्डेट में नॉट बी प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, प्रोटोकॉर्डेट में ये नहीं है कि एक प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसके आलस स्टेजेस में, और या फिर उसकी पूरी लेंथ में पाए जाते हैं। प्रोटोकॉर्ड्स जो होते हैं वो मैरीन एनिमल होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो पहला एग्जांपल है इसका बेलेनोग्लॉसस, दूसरा है हर्डमानिया, तीसरा है एम्फियोक्सस। ये आपको बेलेनोग्लॉसस की स्ट्रक्चर दिखा रखी है इसमें। तो देखिए प्रोबोसिस ग्लैंड होती है जो इसके एक्सक्रीशन का भी वर्क करती है, कॉलराइट और कॉलर का मतलब इनका मध्य भाग होता है, ब्रैंकियल रीजन जिसकी वजह से इनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, गिल्स भी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, जेनिटल विंग्स इनके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए हैं, मिडल रिज हेपेटिक सिका हेपेटिक रीजन, ये सब लीवर रिलेटेड है, और पोस्ट हेपेटिक रीजन मीन ये टेल का एरिया है। तो इस तरीके से ये आपके सामने बेलेनोग्लॉसस का डायग्राम है। नेक्स्ट हम लेते हैं वर्टिब्रेटा के वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। तो अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स एक ऐसे एनिमल होते हैं जिनके अंदर ट्रू वर्टिब्रल कॉलोमन पाई जाती है, मतलब रीढ़ की हड्डी या बैकबोन पाई जाती है, एंड इनका जो स्केलेटन होता है वो इंटरनल होता है, इंटरनल स्केलेटन होता है इनके अंदर। उसके अलावा हम बात करें दे आर स्केललेस, ये स्केललेस होते हैं यानी इनके अंदर स्केल नहीं पाए जाते हैं। स्केल क्या होता है, इनके बॉडी के ऊपर स्केल्स पाए नहीं जाते, स्केल जैसे कि आपको स्नेक में मिलेंगे, स्नेक के अलावा फिशेज में मिलेंगे, तो ये ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं इनके अंदर। दे आर नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो कि जो ये हैं इसके अलावा इनमें अलाउंग कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल अटैचमेंट पॉइंट टू बी यूज फॉर मूवमेंट, इनमें मसल को अटैच होने के लिए जगह दी जाती है ताकि ऑर्गेनिज्म कम्प्लीट मूवमेंट करे। वर्टिब्रेट जो हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमिक हैं, सेगमेंटेड हैं, और इनका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो टिश्यू और ऑर्गन्स में होता है। इनके करेक्टर्स की बात करें कि कॉर्डेटा के क्या क्या करेक्टर हैं, तो इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिए तो 3 मार्क्स में, पहला तो इनके अंदर नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, दूसरा इनके अंदर डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ब्रेन का नर्वस टिश्यू का छोटा पार्ट होता है नर्व कॉर्ड, वो पाया जाना चाहिए। इनके अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होनी चाहिए, गिल पाउचेस होने चाहिए, और इनके अंदर 2 टाइप की सीलोम होनी चाहिए। इसके बेसिस पे हम जो है वर्टिब्रेटा को 6 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला है लेते हैं साइक्लोस्ट्रोमेटा। तो साइक्लोस्ट्रोमेट्स आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स, इनमें जबड़े नहीं पाए जाते यानी इनका मुंह गोल होता है। दे आर कैटेगराइज बाय हैविंग एन इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी, इनकी ईल जो मछली होती है वैसे इनकी बॉडी दिखाई देती है, सर्कुलर माउथ इनका, गोल मुंह होता है, स्लिम स्किन, चिपचिपी इनकी स्किन होती है, एंड आर स्केललेस, ये स्केललेस होते हैं। देर आर एक्टोपैरासाइट्स और बोरर्स ऑफ अदर वर्टिब्रेट, जितने भी अदर वर्टिब्रेट्स हैं उनके ऊपर ये पैरासाइट की तरह चिपके हुए रहते हैं।
एंड पेट्रोमाइजोन इसका एग्जाम्पल है, इसको हम लैम्प्रे भी कहते हैं, और मिग्जीन भी इसका एग्जाम्पल है, इसको हम हैगफिश कहते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हुए, ये आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है पेट्रोमाइजोन का। नेक्स्ट हम देखते हैं पिसीज, दीज आर फिश, इसमें सभी फिशेज होती हैं। दे आर एक्सक्लूसिव एक्टिव एक्वेटिक, ये पानी में पाई जाती हैं। देयर स्किन कवर्ड विद स्केल एंड प्लेट, इनके बॉडी के ऊपर स्केल होते हैं। ये अपनी ऑक्सीजन जो प्राप्त करती हैं वो गिल्स के थ्रू लेती हैं। एंड इनकी जो बॉडी है वो नाव की आकृति की स्ट्रीम लाइन होती हैं। इनमें टेल यानी पूंछ पाई जाती है जिसकी वजह से वो मूवमेंट करती हैं। कोल्ड ब्लडेड यानी ये अपने टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट चेंज करती है, जिसके कारण इनको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। और कोल्ड ब्लडेड का दूसरा नाम होता है पॉइकिलो थर्मल एनिमल। ये पॉइकिलो थर्मल होते हैं, अपने टेम्परेचर को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। एंड देयर हर्ट हैव ओनली टू चैम्बर, इनके हर्ट में दो ही चैम्बर होंगे, वन ओरिकल एंड वन वेंट्रिकल। एक ऊपर जो होगा उसको कहेंगे ओरिकल और एक नीचे होगा उसको कहेंगे वेंट्रिकल। अनलाइक द फोर दैट ह्यूमन, जबकि ह्यूमन में चार होंगे, दे ले एग, ये अंडे देती हैं, इसीलिए ओवी पैरस कहलाती हैं। दे आर ओवी पैरस, ओवी यानी एग, पैरस यानी ले करना, ये एग ले करती हैं। नेक्स्ट वी कैन थिंक ऑफ मैनी काइंड ऑफ फिश, सम ऑफ विद स्केलेटन मेड एंटायर कार्टिलेज। मछलियों को भी दो ग्रुप में बांटा गया है, ऐसी फिशेज जिनके अंदर स्केलेटन कार्टिलेज का बना है वो कहलाती हैं कार्टिलेजिनस फिशेज, और ऐसी फिशेज जिनके अंदर बोन का बना हुआ है वो कहलाती है बोनी फिशेज। तो कार्टिलेजिनस फिशेज का एग्जाम्पल है शार्क, और बोनी फिशेज का एग्जाम्पल है चूना और रोहू। तो ये एग्जाम्पल देखिए, ये आपको मैंडेराइन फिश दिखा रखी है, एंगलर फिश दिखा रखी हैं, यहाँ पे आपको लेना लियोन लाइन फिश दिखा रखी हैं, स्टेरिंग जो डंक मारती है, स्टिंगरिंग एंड स्टिंगरे इलेक्ट्रिक रे जो बिजली के झटके मारती है, और ये आपको स्कॉलियोडॉन यानी डॉग फिश भी यहाँ पे दिखा रखी है। नेक्स्ट फिशेज यानी पिसीज के बाद की बात करें हम, तो पिसीज के बाद में जो आते हैं वो है एम्फीबिया। तो एम्फीबिया देखिए क्या होते हैं, दीज एनिमल डिफर फ्रॉम फिश, ये फिश से बिल्कुल डिफर होते हैं क्योंकि इनके शरीर पे स्केल नहीं पाए जाते। इन हैविंग म्यूकस ग्लैंड इन द स्किन, इनके स्किन में म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है जो बहुत चिपचिपा स्राव स्रावित करती है। इनके अंदर तीन चैम्बर हर्ट होते हैं, तीन चैम्बर का मतलब दो ओरिकल एक वेंट्रिकल। रेस्पिरेशन जो होता है वो या तो गिल्स के थ्रू होगा या लंग्स के थ्रू होगा, क्योंकि ये ज़मीन पे भी रहते हैं पानी में भी रहते हैं। दे ले एग, ये भी एग ले करेंगे, मतलब वो भी पैरस होंगे। दीज एनिमल फाउंड बोथ इन वाटर एंड लैंड, ये पानी में भी और जमीन में भी, इसी कारण इसको कहते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब होता है ड्यूल यानी दो, और बिया का मतलब होता है लाइफ, यानी इनकी दो लाइफ होती हैं, एक लैंड पर और एक वाटर में। फ्रॉग टोड एंड सेलामेंडर आर सम एग्जाम्पल। तो पहला देखिए, वैसे तो एम्फीबिया में टेल नहीं पाई जाती है, पर सेलामेंडर इसका एक्सेप्शन है, इसमें टेल है। ये आपका टोड है जिसको बूफो कहते हैं, राना टिग्रीना इंडियन फ्रॉग है, और हाइला ट्री फ्रॉग है जो पेड़ों के ऊपर रहता है। नेक्स्ट देखिए रेप्टीलिया, दीज एनिमल आर कोल्ड ब्लडेड। रेप्टाइल्स के भी बॉडी का टेम्परेचर पर्यावरण के अनुसार बदलता है, मतलब ये पॉइकिलो थर्मल है, हैव स्केल एंड ब्रीथ थ्रू लंग, इनकी बॉडी पे स्केल्स हैं और ये लंग्स का यूज करते हैं। वाइल मोस्ट देम हैव थ्री चैम्बर हार्ट, बट क्रोकोडाइल हैव फोर हार्ट चैम्बर। एक्सेप्शन को अंडरलाइन कीजिए, याद कीजिए, वैसे तो रेप्टाइल्स के अंदर थ्री चैम्बर हार्ट होता है, टू ओरिकल वन वेंट्रिकल, बट एक क्रोकोडाइल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिस जो इसका अपवाद है, उसमें हार्ट के चैम्बर चार होते हैं, टू ओरिकल एंड टू वेंट्रिकल। दे ले एग, ये भी एग ले करते हैं, और उन एग्स के ऊपर टफ कवरिंग होती है, एंड डू नॉट नीड टू ले देयर एग इन वाटर, इनको अपने एग पानी में छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती जैसे कि एम्फीबियंस को होती है। तो इनके एग्जांपल्स में स्नैक्स, टर्टल, लार्स एंड क्रोकोडाइल्स हैं वो होंगे जो रेप्टाइल्स में इंक्लूड होंगे। ये डायग्राम आपको दिखा रखे हैं, टर्टल, गार्डन लिजर्ड, कैमेलियन, किंग कोबरा, स्नेक एंड फ्लाइंग लिजर्ड, ड्रैको एंड हाउस लिजर्ड जो है आपकी हेमाडेक्टाइलस, वो सारे इसमें डायग्राम शो किए हुए हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं एवीज, दीज आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड को हम होमियोथर्मल कहते हैं, मीन एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग इनका टेम्परेचर नहीं बदलता, इनका टेम्परेचर फिक्स रहता है। एंड हैव फोर चैम्बर हार्ट, इनकी बॉडी में चार चैम्बर, टू ओरिकल टू वेंट्रिकल होते हैं। दे ले एग, ओवी पैरस होते हैं। देयर इज एन आउटर साइड कवरिंग ऑफ फैदर, इनके शरीर पे पंख पाए जाते हैं।
एंड टू फॉर लिम्ब, आगे की तरफ दो लिम्ब यानी पैर होते हैं जो कि फ्लाइट के लिए रूपांतरित हो जाते हैं पंखों में, एंड दे ब्रीथ थ्रू लंग, लंग्स के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं, और इसके अंदर बर्ड्स जो होते हैं वो आते हैं। तो बर्ड्स का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बर्ड्स में ही देखिए, आपको दिखा रखे हैं इसमें, पहला दिखा रखा है वाइट स्टॉक, दूसरा दिखा रखा है इसमें मेल टप टप डक एंड नेक्स्ट ऑस्ट्रिच जो कि फ्लाइटलेस ऑर्गेनिज्म होता है, ये उड़ नहीं सकता है, पिजन, स्पैरो, कार्वर्स यानी क्रो, ये इनके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं हम मेमेलिया। तो मेमेलिया में क्या होता है, मेमेलिया आर वार्म ब्लडेड एनिमल, ये भी वार्म ब्लडेड है, होमियोथर्मल है, इनका भी टेम्परेचर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बदलता। फोर चैम्बर इनमें हार्ट है, और इनके अंदर एक स्पेशल फीचर है मेमरी ग्लैंड का पाया जाना। ये मेमरी ग्लैंड क्या होती हैं, ये मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती हैं, और इसी कारण से ये इनका यूनिक फीचर है। द स्किन हैज़ हेयर, इनके शरीर पे हेयर पाए जाते हैं, और साथ साथ फैट और ऑयल ग्लैंड भी पाई जाती हैं। मोस्ट मैमल फैमिलियर टू अस प्रोड्यूस लाइक यंग वंस, ये सभी अपने नवजात शिशुओं को जन्म देते हैं, यानी ये वीवी पैरस कहलाते हैं। हाउएवर अ फ्यू ऑफ देम लाइक प्लेटिपस एंड एकेडिना, दोनों नाम अंडरलाइन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, पहला नाम है प्लेटिपस, दूसरा नाम है एकेडिना, ये यंग वंस को बर्थ नहीं देते बल्कि ये एग ले करते हैं, इसीलिए ये ओविपैरस है। और जबकि कंगारू जो है वो वेरी पुअरली डेवलप बच्चों को बर्थ देता है, इसलिए वो कहलाता है ओवोवीवी पैरस। नेक्स्ट इसके बाद में एग्जाम्पल्स की बात करें कि एग्जाम्पल्स कौन से हैं, तो एग्जाम्पल्स में इसमें देखिए कैट, ह्यूमन, रैट, व्हेल, बैट, ये सारे आपके मैमल्स के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है, तो पहला क्वेश्चन है हाउ डू पॉरीफर एनिमल डिफर फॉर सीलोमेट, तो दोनों का आप एक टेबल बनाइएगा टेबुलर फॉर्म में, एक तरफ सीलोमेट्स के करेक्टर और एक तरफ पॉरीफर्स के करेक्टर लेकर इसका आंसर पुट कीजिएगा। नेक्स्ट वही सेम है, इसमें टेबल बनाइएगा और आर्थ्रोपोड्स और एनलिड्स के बीच का डिफरेंस शो कीजिएगा, थर्ड में आप एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच का शो कीजिएगा, और फोर्थ जो है उसमें आप एव्स और मैमल्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको शो कीजिएगा। इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट हम एक कैरोलस लीनियस जो साइंटिस्ट हैं, जो कि टैक्सोनॉमी के फादर हैं और बायनोमियल नोमेनक्लेचर के भी फादर हैं, एक तरीके से डिस्कवरर हैं, उसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। कैरोलस लीनियस, कार्ल वॉन लीनी वाज बोर्न इन स्वीडन, स्वीडन में इनका बर्थ हुआ, एंड ही वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन से वो डॉक्टर रहे। ही वाज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ प्लांट, प्लांट की स्टडी में इनको इंटरेस्ट जागा। एट द एज ऑफ 22 ही पब्लिश हिज फर्स्ट पेपर ऑन प्लांट, 22 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने प्लांट्स के ऊपर अपना फर्स्ट पेपर थीसिस के फॉर्म में सबमिट करवाया। वाइल सर्विंग एज एन प्रोफेशन पर्सनल फिजिशियन ऑफ अ वेल्दी गवर्नमेंट ऑफिशियल, ही स्टडी द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, जैसे जैसे इन्होंने सर्विस के दौरान अपना काम भी स्टार्ट रखा और इन्होंने डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स भी स्टडी की, एंड हिज एम्प्लॉयर गार्डन लेटर ही पब्लिश 14 पेपर्स, बाद में उन्होंने 14 पेपर प्रकाशित किए, एंड फेमस बुक लिखी सिस्टम ऑफ नेचर फ्रॉम विच ऑल फंडामेंटल बॉटनिकल रिसर्चेस हैव टेकन ऑफ, जिसके अंदर जितने भी रिसर्चेस होती हैं उनको लिखा गया। हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज अ सिंपल स्कीम, और जो इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम है बायनोमियल नोमेनक्लेचर वो बहुत ही सिंपल है, उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं, उनको हम जनरली आगे देखेंगे। उसके पहले हम एनिमल जो कैटेगरी है उसकी फ्लो चार्ट की बात कर लेते हैं। तो एनिमल्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया, दो उसमें डिवाइड किया, यदि वो सेल्स के बने हैं तो पॉरीफेरा, और टिश्यू के बने हैं तो उनमें अगर सीलोम नहीं तो सीलेंट्रेट और पेटीहेलमिंथीस, अगर शूडोसीलोम तो नेमेटोडा, और अगर ट्रू सीलोमेट तो फिर उनके अंदर हम देखेंगे कि जो मीजोडर्म है वो सिंगल सेल के रूप में ग्रोथ करी एम्ब्रियो में तो एनलार्ड, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, और अगर जो सीलोम है वो फाउंड फ्रॉम पाउचेस के रूप में है तो उसमें नो नोटोकॉड होगा तो इकानोडर्म, और नोटोकॉड प्रेजेंट होगा तो कॉर्डेटा। नेक्स्ट इस बार हम कॉर्डेटा के अंदर हमने देखा कि अगर नोटोकॉड जो है किसी न किसी अवस्था में पाई जाती है तो प्रोटोकॉर्डेट, और अगर नोटोकॉड वर्टिब्रल कॉलोमन या बैकबोन में चेंज हो जाती है तो वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में पांच जो हैं, छह जो हैं हमने कैटेगरीज बनाई, अगर वो जॉलेस हैं, पैरासाइट हैं एक्टिव तो साइक्लोस्ट्रोमेट, अगर उनमें लंग्स सॉरी गिल्स हैं, स्केल्स पाई जा रही हैं, और कार्टिलेज या बोन का उनका एंडोस्केलेटन है तो वो पीसीज हैं, और अगर उनके अंदर लार्वा प्रेजेंट है और म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है तो वो एम्फीबियंस हैं, और अगर उनके अंदर एक्सोस्केलेटन है, क्रीप करते हैं तो वो रेप्टाइल्स हैं, अगर आगे वाले जो फॉर जो उनके लिम्ब हैं वो फ्लाइट वाले में कन्वर्ट हो गए तो वो बर्ड्स हैं, और अगर उनके अंदर मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है तो वो मेमेलिया है।
नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं चैप्टर में. लास्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर. तो नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, एज यू माइट बी एबल टू अप्रिशिएट वुड बी डिफिकल्ट फॉर पीपल स्पीकिंग राइटिंग एंड डिफरेंट लैंग्वेज टू नो व्हेन आर द स्पीकिंग अबाउट द सेम ऑर्गेनिज्म. नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों हुई, नामकरण की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो एक है बट सबकी लैंग्वेज अलग अलग है. तो जितने भी कंट्रीज हैं सेम ऑर्गेनिज्म की बात करते समय नाम उसके अलग अलग लिखते हैं, जिससे कि कन्फ्यूजन क्रिएट होती है. This problem was resolved by assigning upon a scientific name of organism in the same manner that chemical symbol and formulae of various substrates are used for world over. इस समस्या का समाधान हुआ और सभी ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया गया साइंटिफिक. द साइंटिफिक नेम फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दस यूनिक, ये यूनिक होता है एंड कैन यूज और आइडेंटिफाई द एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और इसका जो यूज़ है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक जैसा होता है. द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग नॉमनक्लेचर वी यूज टूडे वॉज इंट्रोड्यूस बाई कैरोलस लीनियस. इस सिस्टम को देने वाले वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस. 18th सेंचुरी के आसपास उन्होंने ये सिस्टम दिया था. और उसके बाद में ये जो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके द्वारा ही हमने ये सारी प्रोसेस की. बट व्हेन वी एक्चुअली नेम द स्पीशीज, अब हमें स्पीशीज को नाम देना है तो हमें कुछ जो नियम हैं उनको फॉलो करना होता है. तो जो सर्टेन कन्वेंशन यानी परंपराएं हैं, तो पहली परंपरा क्या है, द नेम ऑफ जीनस बिगिन विद कैपिटल लेटर. जैसे इंसानों का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियन, तो हम होमो का एच कैसा लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे होमो. द लेटर ऑफ स्पीशीज बिगिन विद स्मॉल लेटर, जैसे स्पीशीज है सेपियन तो इसमें हम लिखेंगे सेपियन. नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करेंगे व्हेन द प्रिंटेड द साइंटिफिक नेम इज गिवन इन इटैलिक्स. इटैलिक्स क्या होती है, तिरछी लैंग्वेज लिखी जाती है. तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो इसको इटैलिक्स वर्ड में लेंगे, और जब हम इसको हैंड रिटन लिखेंगे तो हम जीनस और स्पीशीज के नाम को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे इस तरीके से. तो इस तरीके से फोर जो है इसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जिनके बेस पे हम फाइव किंगडम थ्योरी एंड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को कम्प्लीट कर सकते हैं. इसी के साथ आपका सेवन्थ चैप्टर दी एंड होता है. नेक्स्ट टर्न पे हम लेंगे कि जो मतलब नेक्स्ट है वाई टू फॉल इल, या फिर पीछे से फूड प्रोडक्शन टाइप के जो भी कोई है वो चैप्टर लेंगे. तब तक के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं. अपने फीडबैक्स जरूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते रहें. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें. एंड तब तक के लिए हैव अ नाइस डे.